सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ न्यूज़पेपर बैग. ओके, इस बैग को आप किसी भी सामान के लिए यूज़ कर सकते हैं, सामान रखने के लिए. सो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ. और इसके ऊपर ना मैं पहले ऊपर से इस पर वो पेस्ट करूँगी एक कलरफुल या डिज़ाइनर पेपर आपके पास जो भी अवेलेबल हो. मैंने इस पर ऐसा पेपर पेस्ट किया है इस तरीके से, देख लीजिए आप. मैंने पूरे पे पेस्ट किया है ना. ये पूरा हमें एक न्यूज़पेपर लेना है, ठीक है. हमने इसे ले लिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर के एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स जो है ना उसे मैं कट करूँगी. लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लाएंगे और यहाँ पे इसकी पूरी साइड पे ग्लू लगा देंगे. ओके, ग्लू लगाते हैं. सो मैंने इसके पूरे साइड पे ग्लू लगा दिया. अब इसे पेस्ट कर देंगे. हेलो, सो अब हमने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे, है ना. और मैंने इस तरीके से पेस्ट किया, देख लीजिए. इधर जो पेपर था यहाँ पे ऐसे मैंने ग्लू लगाया था इस साइड से और इधर से मैंने पेस्ट कर दिया. सो यहाँ ग्लू एक्स्ट्रा लगा देती हूँ ताकि ऑल ऑफ द पर्पस पेस्ट हो जाए, ठीक है. आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पेपर नहीं होगा, मतलब ये एक्स्ट्रा अगर नहीं बच रहा हो तो आप लोग ऐसे ऐसे यूज़ कर लीजिए. मेरे पे ये न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा बच रहा, मैंने इसे डबल करने के लिए लगाया था तो मैं इसे पहले कट कर लूँगी, ठीक है. सो मैं इसे सब मैंने कट कर लिया, ठीक है. देख लीजिए आप, फिर चारों साइड तो कट कर लिया है. ओके, तो अब हम लोगों को आगे क्या करना है. सो अब हम लोगों को इसके आगे इस रेक्टेंगल पेपर के साइड. ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, ये एक साइड ली इसकी हमें, इस तरीके से हमें इसकी एक साइड ले ली है, लास्ट वाली. तो आपको कम वाली साइड लेनी है, मतलब हमने रेक्टेंगल शेप का ये हो जाएगा ना, तो हमें इसकी ये वाली साइड लेनी है जो कि स्क्वायर शेप में हो थोड़ी सी. हमें ये लंबी वाली साइड नहीं लेनी, ठीक है. तो उस थोड़ी वाली साइड से हम इस तरीके से कुछ पेपर लेंगे, स्केल की लेंगे, ठीक है. इतना स्केल से थोड़ा सा मोटा सही में मिल गया है इतना पेपर. ओके, तो इतना पेपर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है. और अपनी देख सकते हैं इस तरीके से. एंड अगर ये इसे हम ना बहुत पतली तरीके से पूरे मतलब पेपर को बहुत पतला करके फोल्ड करना है, तो हम इस तरीके से स्केल की हेल्प लूँगी और इसे ऐसे करते हैं. क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा ना, ये जो पेपर है वो अच्छे से फोल्ड होगा. एंड इधर की जो साइड है मेरे को इस साइड से मैंने इधर से किया तो मैं इधर से कर लेती हूँ, है ना. इस साइड से मुझे पेपर लेना है और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए पेस्ट कर दो. देखिए आप लोग देख सकते हो ना, दूसरी साइड से इस तरीके से वैसे भी ऐसे करके देखिए इस तरीके से मेरे को पतला करना है कि वो एकदम कटिंग की शेप में आ जाए, आ गया ना. तो इससे क्या होगा ना, आपको पेपर अच्छे से पेस्ट होगा. इससे मैं ग्लू लूँगी, ठीक है. और ग्लू को मैं अच्छे से पेस्ट कर देंगे एंड इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे. तो यहाँ से जब हमने पेस्ट कर दिया, मेरा सूख गया है और ये जो एक्स्ट्रा लाइन बची है ना मेरे पास, क्योंकि ये ना लाइन ना दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये ख़राब लगता है. ओके, तो मैंने इस लाइन को भी पेस्ट कर दिया, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, जिस साइड से हमने पेस्ट किया उसकी इधर या इधर की साइड आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली साइड जो होगी ना उसे हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ठीक है. फोल्ड करने के बाद हम इसे खोलेंगे इस तरीके से, ठीक है. अब देखिए हमारा कैसा आया है शेप, ऐसा है ना, समझ आ रहा होगा ना आपको. तो ऐसे करके बंद करना है और इसको ऐसे हाफ से ज़्यादा इस तरह, ठीक है. अब देखिए तो मैं यहाँ यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी, ठीक है. लगा दिया हमने ग्लू एंड अब इसे फिर से सूखने के लिए छोड़ देंगे. ओके, इतना कर लिया है. देन अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा एकदम सूख गया. अब आगे के साथ से हम लोग इसे लेंगे, ऐसे एकदम मेजर करके लेंगे, ठीक है. तो हमने इसे इस तरीके से ले लेना है.
इसे भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ओके, मैंने एक साइड ज़्यादा एक साइड कम कर दिया, बट अब इसे ठीक से कर दूँगा। फोल्ड कर दिया अब हमने, हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से मैंने फोल्ड रखा हुआ, हम लोग इस वाले साइड को, पूरे साइड को इस वाले ऐसे करके इसके अंदर कर देंगे। मैं दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही कर लूँगी, ठीक है। सो अब मैंने दूसरी साइड से भी ऐसे ही कर लिया है, और ये देखिए मेरा हैंडबैग बनके रेडी है। अब बस हमें इसके अंदर थ्रेड लगाना है, तो मैं उसके लिए न्यूज़पेपर यूज़ करने वाली हूँ। मैंने न्यूज़पेपर को इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया है, देखिए, और मेरी इतनी बड़ी स्ट्रिप है, एंड चलो मैं इसमें छेद करके इसे डालती हूँ। ओके, सो इस तरीके से हमें इसमें छेद कर लेना है। आपके पास अगर कुछ ना हो तो आप, मैंने न्यूज़पेपर के ट्विजर्स दिखाए थे वो ले सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके के जूते के फीते ले सकते हो, ठीक है। मैंने जूते के फीते लिए हैं, अब मैं इसे इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको छेद थोड़ा बड़ा चाहिए तो उससे बड़ा भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही थोड़ा क्या, मैंने बहुत छोटा छेद किया था, तो मैं इसे बड़ा करूँगी थोड़ा सा, एंड इसके अंदर से इंसर्ट करूँगी इसे। मेरा इंसर्ट हो गया है, एकदम स्नैक की तरह लग रहा है आई थिंक, एंड मैं दूसरी साइड से भी इंसर्ट कर दूंगी। ओ, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। सो इस तरीके से मुझे इसे डालना था, मैंने डबल करके डाल दिया, तो मैंने यहाँ से डाल दिया है, एंड मैं आगे की साइड से इसमें लगा दूंगी गांठ। मेरे भी दो तरीके के थे, बट मैंने इस तरीके का यूज़ किया है, तो इसमें आप लोग अंदर से गांठ लगा लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर अंदर से गांठ लगा दी है, दिख रही है आपको, एंड ये हो गया हमारे लिए पेपर बैग तैयार। और दूसरी साइड से भी आप लोग इस तरीके से लगा लीजिए। ओके, सो इस तरीके से मैं इंसर्ट कर दूँगी। तो उसी नहीं रहा यार, मेरी बहन का मानना ना मानना तो सच ना हो गया, ओ मम्मी जा ही नहीं रहा अंदर, ऐसे ही घुसाना पड़ेगा। हो गया हो गया हो गया, सो मैं इसमें गार्ड बांध लेती हूँ। सो मेरा पेपर बैग रेडी हो गया है बनकर, है ना। सो आप लोग देख लीजिए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो इट्स डन, बाय।